हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू होम बेस्ड एजुकेशन फ्रॉम द मदर इंटरनेशनल स्कूल। तो इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या करना है, आपको बोला गया है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, अगर रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है, और अगर थ्री साइड वाला पॉलीगॉन होगा तो उसको क्या नाम दोगे, फोर साइड वाला पॉलीगॉन होगा तो उसको क्या नाम दोगे, और सिक्स साइड तो क्या नाम होंगे। तो पहले तो बच्चों हम रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है वो हम समझ, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो पॉलीगॉन की सभी साइड्स बराबर क्या होगी, सभी साइड्स इक्वल होगी, तो उसको हम कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर, द पॉलीगॉन is said to be regular if all the angles are equal and all the sides are also इक्वल। तब यहाँ पे डायरेक्टली भी लेके कह सकते हो इफ द पॉलीगॉन हैव इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स देन वी कैन से इट्स माय रेगुलर पॉलीगॉन। तो बच्चों अगर थ्री साइड मतलब यहाँ पे अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल हो तो ऐसा पॉलीगॉन आपको पता ही है, आप लोगों ने ट्राइंगल में समझा था कौन सा होगा, वो होगा बच्चों आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा होगा बच्चों, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर चार साइड वाला इक्वल होगा तो उसको हम कहते हैं बच्चों, ये जो मैं साइन कर रहा हूँ ना बच्चों, मतलब ये सभी साइड कैसे होगी इक्वल हो गए, तो उसको कहते हैं स्क्वेयर। क्या बन जाएगा मेरा स्क्वेयर। अगर छह साइड वाला मेरा बच्चों पॉलीगॉन है, जैसे कि यहाँ पे एक ये दो ये तीन ये चार ये पाँच और ये छः, ये जो सभी साइड इक्वल होगी बच्चों, तो इस टाइप के पॉलीगॉन जो रेगुलर पॉलीगॉन उसको कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। क्यों मैंने रेगुलर लिखा, बिकॉज इट्स सभी साइड्स क्या इसकी इक्वल है। तो आई होप ये आपको बहुत इजी था, ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब यहाँ पर मैंने कुछ फिगर ड्रॉ की, उसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपको ये फाइंड आउट करना है। तो पहले तो बच्चों को देख लेना कि क्वाड्रिलेटर है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, बरोबर। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक दो तीन और चार साइड्स, इसका मतलब ये मेरा क्वाड्रिलेटर है। और क्वाड्रिलेटर का जो इंटरेस्ट एंगल होता है उसका एडिशन कितना होता है, 360। तो मैं लिख सकता हूँ द सम्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू, इन सबका सम्स कर दूँ मैं एक्स प्लस ओके मतलब एक्स सॉरी यहाँ पे आएगा 360 डिग्री, बिकॉज इन सबका एडिशन कितना होता है 360। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो यहाँ से 12 और 13 ये आपका हो जाएगा 15, और 15 प्लस 5 तो 30 और एक जीरो लगा देंगे 300। तो x therefore x प्लस 300 ओके x प्लस 300 इज इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस 300 इज इक्वल टू 360 डिग्री, therefore x इज इक्वल टू ये 300 लेफ्ट राइट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, therefore 360 डिग्री माइनस 300 therefore x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x की वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री, बराबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्राइंगल में ये पिछले साल 7 सेंटर में ये सब किया हुआ है, बट यहाँ पे क्वाड्रिलेटर तो 360 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से x प्लस 7 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे ये एंगल नहीं दिया गया बट आपको एक हिंट दे दी गई, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ऑफ कोर्स ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज ये कितना होता है टोटल
ए 180 डिग्री। लीनियर पेयर आपको शायद याद आ गया हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो अगर ये 180 में से अगर 90 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपको 90 मिल जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे भी सेम सम्स ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ इंक्वायरी इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री, बराबर। तो कुछ नहीं करना है, x x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 70 प्लस 60 प्लस 90 इट्स मतलब ये 10 और ये 100 हो जाएगा, 100 प्लस ये 50 प्लस 70 मतलब ये आपका हो जाएगा x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 220 लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड चलाएगा, देयर फॉर x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, बरोबर। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 में से 220 सबट्रैक्ट करोगे तो ये 80 और 60 ये आपका हो जाएगा 140 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 140 डिग्री। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बरोबर। ये कितना हो जाएगा आपका 140 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों मैंने पहले बोला आपको साइड गिन लेना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइड कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5, इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा रेगुलर, सॉरी ये मेरा हो जाएगा पेंटागन। तो पेंटागन की आपको पता है कितना होता है, इंटर एंगल्स 540। बट यहाँ पे बच्चों मुझे ये 70 डिग्री दिया गया, ये यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ 60 डिग्री ये नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं। आपको पता है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, बराबर। तो 70 डिग्री को इस साइड लेने जाने दो, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। इसका मतलब मुझे y मिल गया। सेम टू सेम बच्चों आपको z के लिए करना है, z इज इक्वल टू z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम टू सेम लीनियर पेयर या पा हो जाएगा z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, रेडी। देयरफॉर z इज इक्वल टू 120 डिग्री। z मिल गया, y मिल गया, तो ये दोनों, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये अगर इस तरह की साइन है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए बच्चों रेगुलर पेंटागन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख दिया गया है बच्चों, द सम्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन पेंटागन इज इक्वल टू कितना होता है, 540 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से थे बच्चों, एक्स प्लस 30 डिग्री, एक्स प्लस 30 और ये दोनों एक्स, और एक 110 और एक 120 मिला। तो x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री और प्लस 120 इसी को कितना है बच्चों, 540। तो इन सभी का यहाँ पे x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 प्लस 120 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 260 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। क्यों 540, बिकॉज पेंटागन, इसीलिए 260 को लेफ्ट हैंड साइड जाने देंगे, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, बरोबर। 540 माइनस 260 मतलब ये आपका तकरीबन हो जाएगा 280 डिग्री इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में डिनोमीटर में जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 280 डिग्री अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये आपकी एक्स क्यू विल मिल गए 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपका इस तरह से, ये आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, ये आपका रेगुलर पेंटागन है। कौन सा है, रेगुलर पेंटागन मतलब सभी साइड्स के इसके बच्चों इक्वल है, 1, 2, 3, 4, 4 और 5। तो आपको पता है रेगुलर पेंटागन में जो सभी एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी आपका एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स। तो आपको पता है कि जो रेगुलर पेंटागन है उसका सभी साइड्स का एडिशन कितना होता है, 540 डिग्री। तो आप लिख सकते हो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, फिर 5 को आपको नीचे ले जाना है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 540/5 कितना आंसर आ रहा है, बरोबर। ये आपको मुझे होमवर्क में करके देना है। आई होप आपको ये पाँचों के पाँचों मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6
क्लियर हो गया है। ओके नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला गया है, कुछ इस तरह से फिगर दी गई है, उसमें आपको एक्स वाई एंड जेड आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख ही सकते हो कि एक्स प्लस 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर, होगा लीनियर पेयर। ओके देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, बरोबर। अभी मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, वाई फाइंड आउट करना है, बरोबर। पहले काम करते हैं जेड फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर वाई फाइंड आउट करेंगे। ओके तो जेड में भी क्या है बच्चों, आप देख सकते हो जेड प्लस 30 डिग्री, जेड प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सेम टू सेम यहाँ पे बच्चों क्या होगा, इट्स अ लीनियर पेयर। बरोबर जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, रेडी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, देयर फॉर जेड इज इक्वल टू 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 150 डिग्री। तो आपको जेड भी मिल गया। नाउ बच्चों आपको वाई फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने सेवन स्टैंड में समझा था कि जो वाई है एक्सटीरियर एंगल्स, ये जो इंटीरियर एंगल के दोनों के जो इंटीरियर एंगल है उसके एडिशन के इज इक्वल टू होता है, बरोबर। अगर इस तरह से नहीं समझा तो आपको दूसरा भी समझा सकता हूँ कि ये ट्राइंगल है, बरोबर। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, उसके हिसाब से आप ये फाइंड आउट कर लोगे तो आपको डायरेक्टली वाई मिल जाएगा। बट यहाँ पे बच्चों मैं कौन सा करूँगा, यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँगा कि भाई वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, बरोबर। क्यों? बिकॉज आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स, बरोबर ना। सॉरी वाई इज इक्वल टू 30 प्लस 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा द सम्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आपको पिछले साल सेवन स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल वाई, आपको वाई भी मिल गया, वाई इज इक्वल 120 डिग्री। बस अभी आपको तीनों का एडिशन कर देना है, देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स आपको कितना मिला बच्चों 90 डिग्री, प्लस वाई कितना मिला बच्चों आपको 120 डिग्री एंड प्लस 150 डिग्री, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। ओके आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन में, वो आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा तो हम गूगल मीट में डिस्कशन करेंगे। टिल देन जय हिंद, थैंक यू।